हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड क्वीन। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी रेमेडी, और इसको बनाना बहुत ही इजी है। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मावे के पेड़े की रेसिपी। और गाइस, इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। और गाइस, कल जन्माष्टमी या फिर कई जगहों पर परसों भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइस, सब लोग कुछ ना कुछ जन्माष्टमी के मौके पर कुछ ना कुछ मीठा अपने घर में बनाते ही हैं कृष्ण जी के लिए। तो मैं भी यहाँ पर मावे के पेड़े बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ क्यों ना ये रेमेडी शेयर कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मावे के पेड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर 200 ग्राम मावे की जरूरत पड़ेगी, एक कटोरी बूरा की जरूरत पड़ेगी, 4 से 5 इलायची की जरूरत पड़ेगी और हमें घी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर गैस, तो गाइस मैंने यहाँ पर हल्की आंच पर पैन रख दिया है। उसके बाद मैं इसमें मावा डालूंगी, जो हमें तब तक चलाते रहना जब तक कि इसका हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। और गाइस, अब हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। और गाइस, अगर आपका मावा जो है वो अगर थोड़ा सा सख्त है तो आप इसे हाथों से मैश करके तब पैन में डालें, या फिर अगर सॉफ्ट है तो आप इसे डायरेक्ट पैन में डालकर अच्छे से पकाएं जब तक कि इसका हल्का गुलाबी रंग ना हो जाए। तो गाइस देखिए, अब हमारा जो मावा है वो थोड़ा गुलाबी रंग का हो चुका है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर घी भी लिया था, पर मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये हमारे जो तवे पर चिपका नहीं है। अगर आपका मावा जो है तवे पर चिपकने लगे तो आप इसमें 1 चम्मच घी का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, जब ये हल्का गुलाबी रंग का हो जाए तो आपको इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो गाइस, जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं यहाँ पर इलायची का पाउडर बना लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसका पाउडर बना लेना है। इसका छिलका निकालकर, इसकी इलायची निकालकर हमें अच्छे से इसको पीस लेना है। ये देखिए, यहाँ पर इलायची पाउडर बन गया है। अब मैं यहाँ पर जो मैंने कुछ बादाम लिया है इसको मैं रोस्ट कर दूंगी। हमें फ्राई पैन में थोड़ा सा घी लगाकर इसे अच्छे से रोस्ट कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसे चम्मच से चला लेना है। तो गाइस देखिए, अब बादाम रोस्ट हो चुके हैं। पर गाइस, अब हमारा मावा भी थोड़ा हल्का ठंडा हो चुका है। तो गाइस, हम बूरा इसमें तभी मिक्स करेंगे तब मावा हमारा जन ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होगा तो हमारा जो बूरा वो पानी छोड़ देगा। अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो हमारा जो बूरा वो इसमें अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो हमें थोड़ा सा गर्म लेना है तभी इसमें बूरा ऐड करना है। ये देखिए, इस तरीके से अब हमें बूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। और जो मैंने इलायची पाउडर बनाया था वो भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें थोड़ा थोड़ा हम इसके पेड़े बनाने शुरू करते हैं। हमें थोड़ा सा लेना और इसको देखिए इस तरीके से हमें गोल करना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब हमें दूसरे हाथ की हेल्प से इसे थोड़ा सा गोल करेंगे और थोड़ा सा हम इसे पेड़े की शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। और हमने जो बादाम रोस्ट किए हैं अब हम इसे ड्राई फ्रूट्स की तरह इसमें लगाएंगे। ये देखिए। तो गाइस, अब हमारा पेड़ा एकदम रेडी हो चुका है। तो गाइस, अब मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, हमें सिर्फ थोड़ा सा लेना है और देखिए इस तरीके से हमें इसे गोल करना है। ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा शेप देंगे।
अब हम इसमें बादाम लगा देंगे जो हमने रोस्ट किया है। ये देखिए, तो गाइस देखिए मैंने इसी तरीके से सारे पेड़े बना लिए हैं। तो गाइस इस जन्माष्टमी पर आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी है और इसको बनाना बहुत ही इजी है। इसमें हमने सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं। तो गाइस आप इस इजी रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिए। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।